इस अवसर पर मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि प्रदेश सरकार ने विगत 6 वर्ष के अंदर, जैसे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खेल के प्रति एक नई जागरूकता पैदा हुई है, अनेक प्रोत्साहन, अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया खेलों के साथ साथ फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साथ सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के कार्यक्रम भी हर संसदीय क्षेत्र में हुए। संसदीय क्षेत्र का मतलब ग्राम पंचायत स्तर से लेकर विकासखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, फिर संसदीय क्षेत्र स्तर पर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा वहां आगे बढ़ी। ऐसे ही प्रदेश के अंदर भी प्रदेश सरकार ने खेल की स्थापना सुविधाओं की दिशा में कुछ अच्छे प्रयास प्रारंभ किए, जिसमें हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान हो, इसके लिए एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। जिला प्रशासन से कहा गया, राजस्व विभाग से कहा गया है कि जमीन को एक्सचेंज करने की भी आवश्यकता पड़ती है तो उसमें करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां विद्यालय हो उसके आसपास कोई खेल का मैदान जरूर हो, जिससे बच्चों को खेलकूद के साथ साथ गांव के बच्चों को भी सड़कों पे दौड़ने की आवश्यकता ना पड़े, बल्कि गांव में ही उनको उस प्रकार का एक मंच उपलब्ध हो सके। हर विकास खंड स्तर पर पहले चरण में एक मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई, और इसके साथ ही हर जनपद में एक स्टेडियम का निर्माण हो, यह कार्यक्रम तो तेजी के साथ आगे बढ़ ही रहा है। ग्राम पंचायत को अपने ग्राम प्रधान निधि का उपयोग करने के लिए जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं, उसमें पार्षद को नगरीय क्षेत्र में और ग्राम प्रधान को ग्रामीण क्षेत्र में ओपन जिम के निर्माण के लिए भी वे पैसा तत्परता के साथ दें, वहां पे उसके स्थापना का कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा सकें, जिससे हमारे युवाओं के मन में खेल कूद के प्रति एक नई जिज्ञासा पैदा हो। युवा कल्याण विभाग के माध्यम से भी अनेक कार्यक्रम किए गए हैं। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल हर ग्राम पंचायत में गठित हो रहे हैं, उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक 65,000 स्पोर्ट्स किट युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को प्रदेश भर में उपलब्ध करवाए गए हैं। खिलाड़ियों की सुविधाओं को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, हर स्तर पर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है।